अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत 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 ईद मुबारक हो। तो दोस्तों, आज ईद का दूसरा दिन है माशाल्लाह से। तो आप लोगों का पहला दिन ईद का कैसा गुजरा? उम्मीद है बहुत ही अच्छी तरह से गुजरा होगा। मेरे जो माशाल्लाह पहले दिन ईद का बहुत ही अच्छा से गुजरा, बहुत ही इंजॉय किया। तो आप लोगों ने उम्मीद इंजॉय किया होगा। तो कमेंट में मुझे बताओ आप लोगों का ईद कैसा गुजरा। आज हम लोग अपने सेटअप पे आए। तो कल मैंने अपना परिंदों कितना नहीं देखा था, जो है भाई को बोला था कि आप पाल लो यार, मैं जो है घूमने जा रहा हूँ। कल पूरे दिन मैं बाहर था, आज ईद का माशाल्लाह दूसरा दिन। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हम लोगों का दुनिया फोर का फीमेल, क्यों आवाज लगा रहे हो? फीमेल, दुनिया फोर की फीमेल, राजा और रानी। ये राजा रानी है दोनों, इसका नाम राजा है मेल का नाम और फीमेल का नाम रानी है। क्योंकि रानी को आज पता नहीं क्या हुआ है, सुबह से आवाज लगा रहे हैं। इसको ये जगह पसंद आया इसलिए खुशी की वजह से आवाज लगा रहे। तभी देखते अपना मुर्गियों को, ये देख सकते आप लोग, ये भी आज खुला है। और सिम्बा, सिम्बा भी आज खुला हुआ, ये देख सकते आप लोग बैठा है, लड़ाई नहीं कर रहा है आज, पता नहीं क्यों यार, शायद बराबर हो गए इनके जूनियर फोल के साथ। तो पिछले वीडियो जैसे कि आप लोगों ने हमारे देखा था, बहुत ज़्यादा ये लड़ रहे थे जूनियर फोल और सिम्बा, दोनों बहुत लड़ रहे थे। सॉरी राजा, क्योंकि आज हमने इसका नाम राजा रखा मेल का नाम और इसका फीमेल का नाम रानी। राजा और सिम्बा बहुत लड़ रहे थे आपस में, आज इनका जो खैर हुआ। ये देख सकते वो भी खामोश बैठा है और ये भी यहाँ पे खामोश खड़ा है। तभी हम लोग देखते हैं अपना मुर्गियों को क्या चल रहा है। अरे वाह यार, मुर्गियों ने अंडे आज फिर दिया है। तो दोस्तों मुर्गियों ने एक अंडा फेंक दिया, तो मैं इसको जल्दी से उठाता हूँ, क्योंकि ये मुर्गा मियाँ जो है अंडे खाता है। देख सकते आप लोग, काफी डीट मुर्गा है। तो मैं अंडे को उठाता हूँ। मुर्गी का अंडा उठाया है, तो इसे हम लोग रखते हैं एक अच्छा जगह पे, सेफ हो जगह पे। फिर ये जो है मुर्गियाँ कड़क जब होंगे तो हम लोग इस पे अंडा रखेंगे। मेरे ख्याल से ये जो है असली मुर्गी का अंडा है। मैं संडे को रखता हूँ और वहाँ पे हम लोग अपना कनेरीज को भी देखेंगे और फिंचेस को भी देखेंगे। शायद आप लोगों ने वो फिंचेस का पेयर मेरा बहुत कम देखा होगा, क्योंकि मैं इतना शो नहीं किया उसको। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ क्या क्या प्रोग्रेस उसका चल रहा है। माशाल्लाह ईद का आज दूसरा दिन है, तो देखते हैं फिंचेस का क्या प्रोग्रेस चल रहा है, क्योंकि लेके हो तो पहले उन्होंने, तो अभी देखते हैं हम लोग बच्चे दिया या नहीं दिया है। तो चलिए अपना उस सेटअप पे। तो मैंने जो अपना मुर्गी का अंडा बहुत ही अच्छी जगह पे रख लिया था कि बच्चे मचात नहीं लगे, क्योंकि इसको तोड़ गया लग गया ये हिल गया ना, फिर इसमें बच्चे नहीं होगा। तो मैं आ गया हूँ अपने करेरीज के सेटअप पे। तो आज देखते हैं हम लोग अपना करेरीज के सेटअप और अपने फिंचेस के प्रोग्रेस, देखते हैं कि क्या किया है इन्होंने। ये देख सकते आप लोग, ये फिंचेस है मेरा, बहुत ही कम आप लोगों को मैंने दिखाया ऐसे, शायद मैंने एक बार वीडियो में दिखाया था इसको, जब इसने एग भी ले नहीं किया हुआ था। इसने एग ले किया, अभी देखते हैं इसने बच्चे दिया या नहीं दिया। तो ये हो गया हम लोगों का कनेरीज, देख सकते आप लोग, ये फीमेल भी बैठा है अपने घोंसले में। और ये हो गया हम लोगों का कनेरीज की फीमेल और जवाना हो गया, और ये हो गया एक मेल, वो हो गया एक मेल। तो दोस्तों ये मेरे करेरीज है और ये मेरे फिंचेज है। तो अभी हम लोग देखते हैं अपना फिंचेज की प्रोग्रेस की क्या चल रहा है। तो अभी जब मैं इसके जो है पिंजरा में नीचे जब तक करूँ, तो फिर वीडियो में स्टार्ट करूँ। तो जैसे कि मैंने पिंजरा नीचे किया, माशाल्लाह से मुझे सरप्राइज मिला है, बहुत ही अच्छा सरप्राइज फिंचेस के, क्योंकि इन्होंने बच्चे दिया हुआ है। तो मैंने एक बच्चे को देखा, तो अभी हम लोग देखते हैं कि हमको फिंचेस ने आज बच्चे दिया है ईद का दूसरा दिन, बहुत ही मुझे खुशी हुआ। तो समझो इसने हमें सरप्राइज दे दिया आज, ये देख सकते आप लोग, मैंने इसके एक बच्चे को उठाया है, काफी छोटा यार, इनके बच्चों को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए इतना, थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ ना तो अपने बच्चों को सीट खिलाना बंद करेगा और अपने एग पे भी नहीं बैठेगा किसी को, क्योंकि बहुत से फिंचेस इसी तरह होते हैं। तो हम लोग इस बच्चे को रखते हैं इसके अंडे के अंदर, ये देख सकते हो आप लोग, मेरे ख्याल से दो बच्चे और भी है, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश, देख सकते हो आप लोग, क्योंकि मेरे कैमरा जो है फोकस नहीं कर रहा था इसके अंडे को, मैंने फ्लैश लगा फिर भी रिजल्ट सही नहीं दे रहा था। तो मैं इसके बच्चे को भी स्लो स्लो रख देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसे रख दिया है और इसको इसके जगह पे लगा देते हैं वापस पिंजरे को। तो दोस्तों हम लोगों ने फिंचेस के पिंजरे रख दिए इसके जगह पे, आप लोगों ने देखा कि इसने माशाल्लाह बच्चे दिया है और अभी को खुराक दे रहा अच्छी तरह से माशाल्लाह से। उम्मीद है बहुत जल्द अपने बच्चे को रिकवर करेगा, बाहर निकालेगा, तो फिर हम लोग इसको डालते हैं उसके अपना सेटअप में, मुर्गियों को वहां से हम लोग शिफ्ट करेंगे। फिंचेस का पहले से ही वो जगह है, लोग जाते हैं वापस अपना सेटअप। दोस्तों मैं अपना सेटअप पे आ गया हूँ और सिम्बा जो है आज मुझे खामोश खामोश लग रहा है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। देख सकते आप लोग खामोश बैठा हुआ है और ब्लैकी बेचारा नीचे बैठा हुआ है। इसके फ्रेंड किधर गया? वो रहा इसके फ्रेंड, वो भी उससे अलग हुआ है, पता नहीं दोनों के दरमियान लड़ाई हुआ क्या, दोनों आज अलग अलग, क्योंकि जब से मैंने ब्लैकी को लाया था वो इस मुर्गी के साथ घूम रहे थे, यहाँ वहाँ बिल्कुल जाते भी नहीं थे, तो आज बिल्कुल अलग है ये दोनों। क्या चीज़ चल रहा है यार इनके बीच,
पता नहीं, ब्लैकी वैसे वहाँ पे बैठा हुआ बहुत ही अच्छा लग रहा है, और सिम्बा भी आज खामोश है, और हम लोगों को रैबिट से आप लोग मिलो, ये देख सकते आप लोग बहुत शौक से घास खा रहा है। सिम्बा कैसे हो? सिम्बा मुझे आज काफी खामोश लग रहा है, मेरे ख्याल से इसे बुखार हो रहा है। और हम लोगों का गिनिया फोर्स भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा हो रहा है यार। ये अंडे नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे जिस शॉप से मैंने लिया था वो कह रहे थे कि ये अंडे दे रहा है, पता नहीं झूठ बोल रहे थे सच, मेरे ख्याल से उसने झूठ बोला होगा, क्योंकि जब से मैंने इन्हें लाया है तकरीबन आज चौथा या पांचवा दिन है इस गुनिया फॉल्स के, फिर भी ये अंडे नहीं दे रहा है। और हम लोगों का फिंचेस को दो पेयर यहाँ पर, ये भी ब्रीड अभी इंशाल्लाह करेगा, क्योंकि वो फिंचेस बहुत जल्द ब्रीड किया, इनसे पहले मैंने इसे लाया था ना तो उसने ब्रीड किया, अभी तक ये जो फिंचेस ब्रीड नहीं किया है। ये फिंचेस को मैं अलग करूंगा उनको अलग, क्योंकि वो थोड़ा अंडर साइज है ना, इस वजह से आप लोग सोच रहे ये अलग वो अलग, ये जो स्मॉल साइज का है वो अंडर साइज का है, समझ गए दोस्तों। और हम लोगों का मुर्गिया 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 ये है, इन्होंने भी एग नहीं दिया है, अभी अभी एक एग दिया था, तकरीबन ये दिन का दो एग देता है, कभी वो मादी देता है कभी वो कभी वो, दिन का दो एग मेरे सेटअप में आ जाता है इजिली। इंशाल्लाह ये मुर्गिया जब बड़ा होंगे ये भी अंडे देंगे, और हम लोग गिनिया फॉल्स अंडे दे, तो हम लोग सोच रहे एक है। तो दोस्तों हम लोगों ने सोचा है अंडे वाला मशीन होते हैं ना उसको ले हुए, क्योंकि हम लोगों का सेटअप में मुर्गिया बहुत कम है, या तो हम लोग मुर्गिया कुछ लाएंगे या वो मशीन लेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने गिनिया फॉल्स भी लाए, देख सकते हो आप लोग गिनिया फॉल्स लाए, क्योंकि ये अंडे बहुत ज़्यादा देते हैं, जब स्टार्ट हो गए ना बंद नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने सोचा या मशीन लाओ या कुछ मुर्गिया और लाओ ताकि इनके बच्चे ले सकूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड चल रही है गिनिया फॉल्स की। तो अभी इंशाल्लाह से अंडे जब देंगे तो बहुत ही अच्छा है, इनका जब बच्चे निकले ना तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये जो है इसका फीमेल आप लोग देख सकते हो, इस तरह मैंने बहुत कम देखा है गिनिया फॉल्स। और ये हो गया इसके मेल, राजा और रानी राजा रानी आप लोगों को पसंद आ रहा हो, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा पेयर है, जब एग देगा ना तो इनके जब बच्चे निकले ना है क्या बोलूं, बहुत ही अच्छा किस्म का बच्चे आएगा। मेरे प्यारे सेटअप के परिंदे आप लोगों के लिए रोटी आ गया, आ जाओ सिम्बा नीचे आ जाओ, ये देख सकते हो आप लोग, सिम्बा नीचे आ जाओ, देखो कैसे मैंने इसे ट्रेनिंग दी है, अभी मैं इनके लिए रोटी डाल देता हूँ, क्योंकि आज मुझे ये जो है आपस में खुश खुश लग रहा है, आप लोग दुआ करो ये लड़े नहीं, मैं इनको साथ में करूँ, नहीं नहीं इंशाल्लाह आज नहीं लड़ेंगे, मैं इनके लिए रोटी डाल देता हूँ यहाँ पे। सिम्बा लो, और ये जो है मुर्गी ओपे डाल देते हैं, किधर गया आप, अंदर जाओ भाई, आपके लिए मैंने अंदर डाल दिया है। मैंने अपने सेटअप की जो है परिंदों पर रोटी डाल दिया, क्योंकि रोटी में बहुत थकत होता है, मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगा आप लोग अपने परिंदों को रोटी भी दिया करें, फिर आप लोगों को रिजल्ट पता चलेगा, सिर्फ दाना पे गुजर नहीं होता, क्योंकि ये जो है रोटी काफी अच्छे होते हैं। घर में जो है मुर्गियाँ ज्यादातर रोटी करते हैं, दाना इतना कोई भी नहीं देता इनको, बहुत ही अच्छा चीज रोटी, आप लोग इनको खिलाओ फिर आप लोगों को रिजल्ट खुद पता चलेगा। तो दोस्तों मेरे मुर्गे को देख सकते आप लोग बहुत शौक से खा रहे रोटी, और वो ये मुर्गियों को भी देख सकते आप लोग बहुत ही शौक से रोटी खाते है, दाना इतना शौक से नहीं खाते जैसे ये जो है रोटी इतना शौक से खाते है मुर्गियाँ। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।